गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओ स्काई। तो आज हम जा रहे हैं बैकयारी रोड बरसोवा पे पिज़्ज़ा खाने। तो भाई ने अभी ही 4-5 महीने हुए बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो मिलते हैं। बिल्कुल छोटा सा स्टॉल है भाई का और बहुत अच्छा बनाते हैं और बहुत ही देसी तरीके से। तो वहाँ जाकर मैं आपको सब दिखाऊँगा और भाई की टाइमिंग कितने बजे रहती है, कब आते हैं और क्या प्राइस है। तो वक्त ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम आपको सीधा मिलते हैं भाई के पास, तो ब्लॉग में जुड़े रहना। देखो गाइस, हमने जैसे आपको बताया था तो हम आ गए अभी राम भाई के पास। तो राम भाई से बात करते हैं, ये पीछे इनका स्टॉल है। क्या नाम है? जय किशन यादव सर। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा तो सैंडविच भी नहीं है बनाते। अभी तो आप कह रहे थे मेरा नाम राम है। राम के नाम से दुकान चलता है, राम के नाम से भाई की दुकान चलती है। पूरा नाम बता दिया कितना बड़ा है। तो भाई आप क्या क्या बनाते हैं, मतलब क्या क्या डिश रखते, कितने बजे आते हो, सब कुछ एक बार बता दो। सर 12:30 बजे आता हूँ। सैंडविच है, फ्रेंकी है, बर्गर है, पिज्ज़ा है। इतना सर। और कितने बजे आते हो यहाँ पर, कितने बजे लगाते हो अपने ये स्टॉल? 12:30 बजे सर। कितने बजे तक? 10:30 बजे तक। क्या भाई ने कितना टाइम हो गया आपको स्टार्ट करे काम? अभी 5 महीना हो गया सर। अभी 5 महीना ही हुआ है भाव को। तो ये अभी हमारे लिए बना रहे हैं, ये पिज़्ज़ा बना रहे हैं। कौन सा? ये चीज़ पिज़्ज़ा। चीज़ पिज़्ज़ा, उस क्या प्राइस रहता है उसका? 150 है सर। 150 का प्राइस रहता है। और कितना इंच रहता है? 7 इंच। कितना रहता है? 7 इंच का पिज़्ज़ा रहता है। कौन बिजनेस को भी सपोर्ट करना चाहिए, जैसे सोनू सर बोलते हैं, और भाई टेस्टी भी बहुत बनाते हैं इनका। मैं आपको पिज़्ज़ा दिखाऊंगा, अभी हमारे लिए पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है। कितनी देर में एक पिज़्ज़ा आप रेडी कर देते हो? सर 5 से 6 मिनट लगता है। अच्छा, तो ऑर्डर वगैरह ठीक चल रहा है? अभी काम 5 महीने आपको स्टार्ट करते हुए है सर? अभी सही है, बारिश की वजह से थोड़ा नॉर्मल है। ये अपना बन रहा है पिज़्ज़ा, भाई बनाते हैं बिल्कुल देसी तरीके से। भाई एक बार खोलना है, मतलब कितनी देर, ये देखो ये अंदर इसमें करें, ग्रिल कर रहे हैं ना उसको अभी। इसको देखो भाई ऐसे ग्रिल करते हैं, सैंडविच भी इसमें ग्रिल करते हैं। आप ज़रूर यहाँ पर एक बार आएँ, राम सैंडविच के नाम से भाई का फेमस है। वो पिज़्ज़ा बन रहा है, पिज़्ज़ा ये कुछ ज़्यादा मेरे जैसा जल गया लगता है। अभी मैं कर रहा हूँ, ये बना रहे हैं भाऊ। मेयोनीज नहीं डलवानी? मेयोनीज डाला है। आप कुछ भी अपनी मेहमान। हाँ जी, थोड़ा हंसना यार, पिज़्ज़ा खाने आया तू? तो ऐसा मनुष्यत से बैठा जैसे कि तेरा पिज़्ज़ा मैंने खा लिया हो। अभी बारिश का मौसम, लोग तो खुश होते हैं। लोग बारिश के मौसम में मरीन ड्राइव जाते हैं अपनी बंदी के साथ। कहाँ रेस्टोरेंट लेवल लाते लागवा परसों में। मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है, जा जा, ओके ठीक है, पिज़्ज़ा मैं खा लूँ, बाय बाय। ये अपनी लग रही है चीज़, ज़्यादा चीज़ करानी है। ये फुल लोडेड चीज़ का अपना बन रहा है पिज़्ज़ा, देखो। आओ, आप हंसते नहीं हो वहाँ थोड़ा। आओ से कुछ पर्सनल सवाल पूछते हैं मजाक से हट के। भाऊ आपकी शादी हो गई? हाँ सर। है, हंस क्यों रहे हो? कितनी, मतलब कितना टाइम हो गया शादी हुई को? 2016 में हुआ सर। 2016 में हुआ था, तो फिर तो बहुत टाइम हो गया। बच्चे हो गए? 2 बच्चे हैं सर। क्या मतलब, बेटा बेटी? एक लड़का एक लड़की। देखा, मैंने पहले ही बता दिया जिस हिसाब से पिज़्ज़ा बना रहे हैं। मैं को लगता है मैं हाथ देखना काम शुरू कर लेता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ मैं। अच्छा, एक बच्चे को अभी स्कूल, लड़का बड़ा है, बेटी छोटी है, है ना? हाँ है ना। देखा, सही सही बताओ, सही बताया कि गलत बताया? सही बताया। तो मतलब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि हम दोनों भाई की शादी नहीं हुई है अभी, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप शादी कराकर खुश हैं कि नहीं? सही सही बताना है, बिल्कुल ठीक है, सब सही है सर, बढ़िया है। ये फंस गया सी है। जिस हिसाब से इन्होंने बोला था मुझे पता चल गया। सही नहीं, इतनी बार तो मैंने पूछा भी नहीं, अब मैं समझ गया हूँ आपका दर्द। हम तो काम में लगे हैं ब्लॉग व्लॉग बनाने में। अच्छी बात है, वैसे शादी करानी चाहिए। क्यों भाऊ, वैसे शादी करानी चाहिए ना? बताओ, करना चाहिए सर शादी? एक तो करना चाहिए, क्योंकि भाऊ तो बहुत खुश हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जिस दिन मेरी शादी हुई मैं उस दिन से कई दिन भी मैं कभी परेशान नहीं हुआ हूँ, बहुत खुश रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा वो आ गई है। क्या आ गई है? चलो भाई, शर्मा आ गया। अपनी और अपना एक बार ब्रो दिखाओ एक बार पीछे। अब इसको कितनी देर बेक करोगे अभी आप? हो गया, रेडी हो गया पिज़्ज़ा? रेडी होने वाला है, देखो पूरे भाई 5-10 मिनट में रेडी कर देते हैं और फ्रेश बनाते हैं। पिज़्ज़ा तो फ्रेश ही बनता है वैसे, बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं। तो हम खाएंगे, टेस्ट बताऊंगा मैं आपको हमको कैसा लगा। फिर मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप ज़रूर आओ, विजिट ज़रूर करो। भाऊ का नंबर मैं एक बार नीचे मैंशन कर दूँगा,
जिसने भी आना एक बार पहले फोन करके आप ऑर्डर बना सकते, ठीक है ना भाव? तो फोन नंबर एक बार अपना मुझे बता दो। 9867535062 यही है सर नंबर, ये नंबर है। ओके ओके, तो ऑनलाइन गूगल पे वगैरह सब कर लेते हो? हाँ। फोन पे ये सब ऑनलाइन ऑर्डर भी एक्सेप्ट करते हैं। तो आओ पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा अपना हो चुका है रेडी। सर गूगल पे कोई करता है तो ऐसे नहीं, गूगल पे अथवा स्कैनर सब ये है, गूगल पे कोई करता है तो नहीं बना पाता, जैसे फ़ोन से कोई बोलेगा हाँ। बना देगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गए आप। हाँ, पिज़्ज़ा हो चुका है अपना बिल्कुल रेडी 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 रेडी। अब कुछ डालोगे इसके ऊपर? अभी हो गया। लो भाव गरम गरम अपना हो चुका है पिज़्ज़ा रेडी। सॉस डालिए, सॉस रहने दीजिए। लो भाव पकड़ो, एक बार आप खा के बताओ कैसा लगा। खाओ खाओ राशिद, तो खा के बताओ ना यार, परेशान सा क्यों लग रहा है तू? क्या हो गया तेरे को इतना? कैसा लगा? बढ़िया है। खा तो ले पहले पूरा, मुँह में डालती पता लग गया कि कितना टेस्ट है। हैं सही बताओ, अच्छा लगा? बहुत अच्छा है ना टेस्ट। अच्छा है तो अब मैं भी खा लेता हूँ, फिर मिलते हैं पिज़्ज़ा के खाने के बाद। भाऊ ये भी देते हैं सबको, सैलड देते हैं, कहता चाहे कोई ग्रिल सैंडविच कराओ या पिज़्ज़ा कराओ, उस खाने के बाद ये देते हैं आलू, बॉयल्ड आलू एंड कुकुम्बर। इनसे होता है कि कहते डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है। नहीं ये मैं अपना ज्ञान दे रहा हूँ, बस पता नहीं क्यों देते हैं। क्यों देते भाऊ ऐसे? देते हैं सर खाने के लिए, बाद में अच्छा लगता है सर देने के बाद। अच्छा देना अच्छा लगता है, ठीक है खाते हैं फिर मिलते। तो हमने खा लिया था पिज़्ज़ा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पिज़्ज़ा था, अच्छा था बहुत ज़्यादा। तो भाऊ अब यहाँ पर आप कहाँ खड़े होते हो, कोई लोकेशन प्रॉपर, किसी ने आके खाना हो तो कैसे आ सकता है? सर यारी रोड में पंचवटी मार्ग बोलते हैं, बैग रोड, बैग रोड पंचवटी मार्ग बोलते हैं वहाँ पे, वहाँ पर रहते हैं। तो ठीक है, बाकी मैं फ़ोन नंबर आपको नीचे मेंशन कर दूंगा, अगर किसी को ऑर्डर करना आने से पहले फ़ोन कर सकते हैं भाऊ को, वो जब तक आप आएंगे पिज़्ज़ा रेडी रहेगा और ग्रिल सैंडविच रेडी रहेगा, आप कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो ठीक है। अच्छा लगा भाऊ आपसे मिलके बहुत ज़्यादा, और आपका काम मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा रहे, बहुत ज़्यादा ज़्यादा चले, और ज़रूर भाऊ के भाई एक बार खाने जरूर, सीरियसली बहुत अच्छा बनाते हैं, तो सपोर्ट करा करो। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल का नाम है ओएस काई, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। लव यू ऑल गाइस।